हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माई सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड आंसर्स ऑफ ब्रेन डेवलपर एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 एंड लेसन नेम इज लूपिंग स्टेटमेंट्स। ओके, दिस इज द ब्रेन डेवलपर एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9। सी फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम। तो इसका आंसर होगा लूपिंग। ओके, लूपिंग, लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम। ओके, सी नेक्स्ट, द वेरिएबल कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। तो इसके लिए होता है काउंटर वेरिएबल। ओके, काउंटर वेरिएबल जो होता है वो ट्रैकिंग करता है कि कितने बार जो लूप है वो चला है। ठीक है, द कंट्रोल वेरिएबल इज असाइंड इन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू इन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर है इनिशियल वैल्यू और यहाँ पर है फाइनल वैल्यू। ठीक है, सी नेक्स्ट, फॉर स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद द, तो फॉर लूप के साथ में हमेशा नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ लूप कम्स इन बिटवीन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। ओके, फॉर और नेक्स्ट के बीच में ही होते हैं जिन सभी को एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। तो इसके लिए होता है स्टेप स्टेटमेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द आस्की करेक्टर 7 कैन ऑल्सो क्रिएट अ बीप साउंड। ओके, तो यहाँ पर 7 फिल किया जाएगा। ओके, यू कैन सी हियर द आंसर। ओके, सी ट्रू एंड फॉल्स, लूपिंग टेक्निक रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, बिल्कुल करेक्ट है कि लूपिंग टेक्निक यूज करने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम होती है। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट्स इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल बाय 1, मींस जो फॉर स्टेटमेंट होता है वह कंट्रोल वेरिएबल में 1 इंक्रीमेंट करता है। तो ये फॉल्स है क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वह वेरिएबल में 1 इंक्रीमेंट करता है। यू कैन सी हियर, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल बाय 1। ओके, सो सेकंड इज फॉल्स, द सेम कंट्रोल वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट लूप्स। ये होगा फॉल्स क्योंकि सेम कंट्रोल वेरिएबल अलग अलग लूप में यूज नहीं हो सकते हैं यदि वे नेस्टेड होंगे तब। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, इन नेस्टेड लूप द आउटर मोस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिफोर द इनर लूप। मीन्स यदि लूप नेस्टेड होते हैं तो जो आउटर लूप होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है और जो इनर लूप होता है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। ये गलत है क्योंकि सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है। यू कैन सी हियर, द इनर मोस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड देन आउटर लूप। ओके, तो ये भी फॉल्स होगा। ओके, एंड सेकंड, थर्ड इज आल्सो फॉल्स एंड सेकंड इज आल्सो फॉल्स, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 9 लूप्स विद इन अ लूप। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैक्सिमम 9 लूप्स ही एक लूप के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एंड क्लॉज इज यूज्ड विद फॉर स्टेटमेंट, नहीं, ये वाइल के साथ यूज होता है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, 6 नंबर फॉल्स है, स्टेप वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। मीन्स केवल फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर ही करेक्ट है, बाकी सभी फॉल्स हैं। ओके, हियर यू कैन सी द आंसर्स। ओके, सी नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, रितु इज मेकिंग अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी वॉन्ट टू गिव इंक्रीमेंट टू द काउंटर
by the value 5, but C not able to apply clause. Which clause will you suggest her to use with for next? Okay, रितु ये प्रोग्राम बना रही है फॉर नेक्स्ट का यूज़ करके, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट चाहती है वेरिएबल में, कंट्रोल वेरिएबल में वो चाहती है उसमें इंक्रीमेंट 5 का हो. ओके, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो उसके लिए जो यूज़ करना होगा उसे स्टेप का यूज. ओके, स्टेप स्टेटमेंट का यूज़ करके वो 5 करके इंक्रीमेंट कर सकती है. ओके, एंड मीन्स सी शुड यूज स्टेप स्टेटमेंट. ओके, दिस इज द आंसर सी. नेक्स्ट, Raman's teacher asked him to name the variable which keeps count of the number of repetitions performed in a loop, but he is unable to recollect the same. Help Raman to answer this query. Okay, Raman's ke teacher ne kaha ki ek ओके रमेश रमन्स के टीचर ने उससे पूछा कि उस वेरिएबल का नाम बताओ जो कि काउंटिंग रखता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस परफॉर्म इन अ लूप. मींस एक लूप कितनी बार चला है इसको काउंट करके रखता है, उस वेरिएबल का नाम बताओ. ओके, तो वह आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आपको बताना है कि उस वेरिएबल का नाम क्या है. तो उस वेरिएबल कहते हैं काउंटर वेरिएबल. ओके, तो अगर कोई करना चाहता है इस तरह से तो उसको क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा और उसको इनिशियलाइज कर देना होगा 0 से. ओके, और उसको इंक्रीमेंट करना होगा 1 by 1. तो इस तरह से काउंटिंग हो जाएगी कि किस तरह से काउंट करना है. ओके, तो आपको आंसर में केवल इतना लिखना है कि इट इज़ कॉल्ड काउंटर वेरिएबल. उसे क्या कहते हैं? काउंटर वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, मैं एक प्रोग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि किस तरह से करना होता है. ये देखिए काउंटर वेरिएबल है. ठीक है, और फॉर नेक्स्ट में आपने देखा ही है कि उसमें स्पेशल काउंटर वेरिएबल होता है. ठीक है, सी नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड प्रिया टू मेक अ प्रोग्राम एंड प्रिंट द सीरीज 2, 5, 10 and 101. सी वांट्स दैट द प्रोग्राम शुड रन फॉर 10 times. व्हाट लॉजिक विल यू सजेस्ट हर टू अप्लाई टू गेट डिजायर्ड आउटपुट. मीन्स प्रिया के टीचर ने उससे कहा है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिससे कि यह सीरीज प्रिंट हो और आप ये चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो 10 बार चले. ओके, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉजिक होगी? यू कैन सी हियर द लॉजिक. ओके, देखिए आपको यूज करना होगा फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का. और देखिए फॉर मैंने यूज किया है और इसमें मैंने 1 असाइन कर दिया है और 2, 10. ओके, मीन्स 1 से लेके 10 तक चलेगा और यहाँ मैंने यूज़ किया है नेक्स्ट आएगा. ठीक है, और इस लूप के अंदर, ओके, इस लूप के अंदर मैंने वेरिएबल लिया है x इक्वल टू 2. मीन्स x में मैंने 2 असाइन किया है और c में मैंने 3 असाइन किया है. ओके, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 101. ओके, जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी 101 के, तब तक ये वाइल लूप चलेगा. ठीक है, एंड प्रिंट x, और x को प्रिंट करेगा और x की वैल्यू x इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा. ठीक है, ओके, एंड द लास्ट में देखिए यहाँ पर है w int. ओके, यहाँ पर ये while लूप इंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी. ओके, और फिर यहाँ से इंड आ जाएगा. ठीक है, 1 जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो लूप का कंट्रोल जो है कि यहाँ far के पास ट्रांसफर होगा. ठीक है, और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. यदि केवल सीरीज को एक ही बार प्रिंट करना हो तो उसके लिए केवल आपको इतने ही कोड को लिखने की ज़रूरत है. ठीक है, इतने कोड से सीरीज एक बार प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ. ओके, यू कैन सी हियर, आई विल रन इट. ओके, मैंने इसको रन कर दिया है. देखिए सीरीज तो प्रिंट हो गई 2, 5, 10, 17, 101, जैसा कि आपको क्वेश्चन में चाहिए था. ठीक है, 2 से लेकर के 101 तक चाहिए था. ठीक है, तो ये सीरीज तो आपको इतने ही कोड लिखने से आपको प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, बट यहां पर बोला गया है कि सी वांट्स दैट द प्रोग्राम शुड रन फॉर 10 times. प्रोग्राम जो है वो 10 times के लिए चले. तो इसके लिए क्या करना होगा, इस सेम कोड को मैंने क्या किया, फॉर लूप के इनसाइड कर दिया, जो कि फॉर लूप देखिए 1 से लेके
टेन तक चलेगा, मीन्स टेन टाइम तक ये चलेगा। तो जब इसको हम इस कोड को फॉर लूप के अंदर कर देंगे तो टेन टाइम्स तक सेम रिजल्ट प्रिंट होगा। ओके ओके, मैंने इसे टाइप कर दिया है। देखिए मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कई बार देखिए सेम रिजल्ट प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यदि आप 10 टाइम्स तक चलाना चाहते हैं तो इसको आप फॉर लूप के अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो सेम रिजल्ट है वो 10 टाइम्स तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सी शुड यूज नेस्टेड लूप। मीन्स देखिए लूप के अंदर लूप मैंने यूज किया है तो ये क्या हो गया, नेस्टेड लूप। ओके, तो आंसर में आपको टाइप करना है कि सी शुड यूज नेस्टेड लूप। ओके, और आपको ये प्रोग्राम भी बना करके दिखा देना है। ठीक है, सी नेक्स्ट, विच वेरिएबल कीप्स ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ लूप। ओके, तो इसके लिए होता है कंट्रोल वेरिएबल। सी नेक्स्ट, Which value is optional and can either be positive or negative? तो step की value optional होती है और positive negative कोई भी हो सकती है। ठीक है, and which statement combines the initialization and checking steps of counter in a single statement? Okay, तो इसका आंसर होगा for statement। For statement में value जो counter variable होता है उसके initialization और checking step एक साथ में होते हैं। ओके, मींस एक ही लाइन में होते हैं इनिशियलाइजेशन और चेकिंग स्टेप। सी नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट गिव्स द इंक्रीमेंट टू कंट्रोल वेरिएबल एंड डायरेक्ट्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू फॉर स्टेटमेंट। तो उसके लिए होता है नेक्स्ट, जो कि वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता है और कंट्रोल को फॉर स्टेटमेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, Which statement shift the control back to in while statement? तो इसके लिए होता है डब्ल्यू एंड। ओके, विच कमांड प्ले म्यूजिक इन बैकग्राउंड? तो इसके लिए होता है यम बी। यू कैन सी हियर द आंसर्स। ओके, एंड नाउ द लॉन्ग एंसर क्वेश्चन टाइप आंसर्स। एक्सप्लेन द टर्म लूपिंग। ओके, While programming, there are situations when you have to repeat one or more statement or number of times. This can be done using loops, and looping means repeated execution of a statement for a fixed number of times. Okay, तो ये इसका proper answer है, and मैं इन सभी को explain already कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप इन्हें बिल्कुल, जो मैंने explanation की videos आपको provide किए हैं उसमें बिल्कुल मैंने इसको explain किया है कि फॉर नेक्स्ट लूपिंग क्या होता है एंड स्टेप का क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है। ओके, लूप के अंदर लूप। ओके, तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और वाइल, डब्ल्यू इंड लूप एंड डू अनटिल के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो जो वाइल डब्ल्यू इंड लूप है वो जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वर्क करता है, जबकि जो आपका डू अनटिल लूप होता है जब तक कंडीशन फॉल्स रहता है तब तक वर्क करता है। ठीक है, Which variable store the sum of number entered during the execution of the loop? तो इसके लिए होता है accumulator variable. Okay. And what is the definition of gossip statement? तो gossip statement का भी definition आपके book में दिया हुआ है, मैं आपको already explain कर चुका हूँ। Play and beep statement के बीच में difference क्या है? जो आपका play statement होता है वो musical notes को play करने के लिए होता है, जबकि आपका जो बीप स्टेटमेंट होता है वो केवल सिंपली बीप के लिए होता है। और बीप कब आते हैं? जब प्रोग्राम्स में या फिर सिस्टम में कोई एरर होता है। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।